रेल यात्रा के दौरान आपको घर से खाना लेने की आदत है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेन में बना खाना खाते हैं तो अब इस खाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। रेलवे बोर्ड में पर्यटन एवं खानपान विभाग के निदेशक की तरफ से जारी सर्कुलर से पता चलता है कि राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों में चाय, नाश्ता और खाना महंगा होने जा रहा है। इन ट्रेनों के टिकट लेते वक्त ही चाय, नाश्ते और खाने का पैसा भी देना पड़ता है। वहीं दूसरी ट्रेनों में भी यात्रियों को महंगाई का अब सामना करना पड़ेगा। नई दर के आधार पर आपको राजधानी, दुरंतो और शताब्दी ट्रेनों के लिए लागू सेकेंड एसी के यात्रियों को चाय के लिए अब 10 रुपए की जगह 20 रुपए देने होंगे। स्लीपर क्लास के यात्रियों को 15 रुपए देने होंगे। दुरंतो के स्लीपर क्लास में नाश्ता या खाना पहले 80 रुपए का मिलता था, जो 120 रुपए का हो जाएगा। वहीं शाम की चाय की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 50 रुपए होने जा रही है, यानी एक चाय के लिए आपको 50 रुपए तक चुकाना पड़ेगा। 4 महीने बाद नई दरें लागू होंगी। नए मेन्यू और शुल्क 15 दिन में ही अपडेट हो जाएंगे, जबकि 120 दिनों के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। नई दरों का असर राजधानी पर एसी कोच में खाना 145 रुपए की जगह 245 रुपए में मिलेगा। संशोधित दरें न केवल प्रीमियम ट्रेनों के यात्रियों को बल्कि आम लोगों को भी प्रभावित करेगी। रेगुलर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में ठीक ठाक शाकाहारी भोजन 80 रुपए का मिलेगा, जिसकी मौजूदा कीमत 50 रुपए है। साथ ही सभी रेलवे के खाने के रेट बढ़ा दिए जाएंगे। शाम की चाय महंगी होने पर अधिकारियों ने बताया कि हम रेलवे में कैटरिंग सर्विस की क्वालिटी सुधारना चाहते हैं। पिछली बार 2014 में दरें बदली गई थी। अधिकारी यह कहना चाह रहे हैं कि रेलवे रेट बढ़ाकर उसकी गुणवत्ता में सुधार करेगी। अब देखना यह है कि चाय और खाने के रेट में दोगुनी बढ़ोतरी का रेलवे उसकी गुणवत्ता में किस प्रकार का सुधार करेगी, या फिर यह महज आम जनता पर महंगाई का बोझ साबित होगा। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। Patreon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पेट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पेट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पेट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पेट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।